हेलो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ प्रतीक पटेल फ्रॉम निफ्टी मिलियनर। सो लेट्स सी दैट निफ्टी को सबसे पहले हम ब्रॉड ट्रेंड को देखते हैं, जो हम रेगुलरली हमारी प्रैक्टिस है, राइट? तो अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे निफ्टी में, तो जहाँ से ब्रॉड ट्रेंड वीक होने वाला है वहाँ से ही आप देखो बार बार निफ्टी बाउंस बैक हो रही है, इफ़ यू ऑब्जर्व दैट, राइट? सो आप देखो यहाँ पे भी, आप देखो ये लेवल, राइट, मल्टीपल टाइम। सो क्या ये लेवल मार्केट ब्रेक डाउन करेगा? सो आई थिंक नेक्स्ट फ्यू डेज विल गिव अस अ क्ल्यू, राइट? सो एज वी हैव डिस्कस येस्टरडे कि अगर बाजार स्ट्रांग होगा तो बैंक निफ्टी विल बी मोर स्ट्रांग देन निफ्टी, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी ने स्ट्रेंथ दिखाया था फ्राइडे को। तो आज देखो, आज बैंक निफ्टी 0.63% प्लस है और निफ्टी 0.21% है, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम आउट परफॉर्मेंस, राइट? सो फॉर टुमारो, मान लो निफ्टी ये लेवल है जो आज का जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन रहता है, 19,360 या 370, मान लो यहाँ पे कहीं पे गैप अप होता है और यहाँ पे कहीं सस्टेन करता है, देन आई विल लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। बट ये जो रिसेंट लो है उसके नीचे मान लो गैप डाउन हो जाता है, फिर सस्टेन करता है, तो आई विल लुक फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, राइट? सो दीज आर द टू थिंग्स दैट यू हैव टू बी क्लियर। टुमारो ये 360 और 380 के बीच में अगर मान लो ऊपर जाता है बाजार और सस्टेन रहता है यहाँ पे कहीं और फिर ऊपर में ब्रेकआउट आता है, तो आई विल लुक फॉर लॉन्ग। शॉर्ट इसके नीचे ही जाना है, जो रिसेंट लो 19,240 उसके नीचे सस्टेन करे, तभी जाके हम शॉर्ट कर सकते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर दैट हाउ टू अप्रोच द मार्केट। सेम वे बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करते हैं। सो बैंक निफ्टी पर आप देखेंगे तो आज भी बैंक निफ्टी ने एक अच्छा क्लोजिंग दिया, स्ट्रेंथ कंपेयर टू निफ्टी। सो फॉर टुमारो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, राइट? लेट्स सी। सो बैंक निफ्टी जब तक ये लेवल को क्रॉस नहीं करती तब तक उसके ब्रॉड और माइनर ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब 45,200 या 300 का जो मोटा मोटी जो एक रेंज है, राइट, उसको ऊपर ब्रेक डाउन कर देगा, ब्रेकआउट कर देगा, तभी जाके वी कैन थिंक अबाउट माइनर ट्रेंड या ब्रॉड ट्रेंड में चेंज, राइट? सो उसी बैंक निफ्टी में भी अगर मान लो आज के हाई के ऊपर सस्टेन रहता है और फिर यहाँ पे कहीं पे सस्टेन रहता है, देन आई विल लुक फॉर लॉन्ग। शॉर्ट बैंक निफ्टी में मैं बेसिकली 44,100 या 44,000 के नीचे मान लो यहाँ पे कहीं पे ब्रेक डाउन होता है और फिर सस्टेन रहता है, राइट, देन आई विल लुक फॉर शॉर्ट। अदरवाइज आई विल अवॉइड शॉर्टिंग बिकॉज बैंक निफ्टी इज शोइंग लिटिल बिट मोर स्ट्रेंथ देन निफ्टी, राइट? सो टुमारो अगर मान लो यहाँ के ऊपर जाता है और फिर सस्टेन रहता है तो यू कैन लुक फॉर लॉन्ग इन इंट्राडे, राइट? सो मेक श्योर दैट वी हैव टू अलाइन आवर सेल्फ विद द मार्केट। सो सेम वे फिन निफ्टी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो फिन निफ्टी ने भी आज स्ट्रेंथ दिखाया है कंपेयर टू निफ्टी। सो फिन निफ्टी भी सेम सिमिलर है, अगर आप ब्रॉड ट्रेंड उसका 1 मिनट या ब्रॉड ट्रेंड देखेंगे तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का वीक हो चुका है, बट लास्ट फ्यू डेज में बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने कुछ ट्रेंड दिखाया है, राइट? सो आप देखेंगे ये जो कल का लो था आज भी अच्छा क्लोजिंग दिया। सो लेट सी फॉर टुमारो हाउ टू अप्रोच द फिन निफ्टी, फिन निफ्टी को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि एक सेलिंग आया, देन एक सस्टेन रहा, देन अगेन एक फॉलो अप बाइंग आया। तो अब फॉर टुमारो मान लो यहाँ पे कहीं पे ऊपर जाता है और सस्टेन रहता है तो आई विल लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, और मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रहेगा जो प्रीवियस डे का आई था 19,900 से 950। शॉर्ट में 19,600 के नीचे मान लो यहाँ पे कहीं पे ब्रेक डाउन होता है और सस्टेन रहता है, देन आई विल थिंक अबाउट शॉर्टिंग, अदरवाइज आई विल नॉट थिंक अबाउट शॉर्टिंग, राइट? सो गो विद द ट्रेंड वॉट इज देयर, राइट? सो डोंट ट्राई टू प्रेडिक्ट। सेम वे स्मॉल कैप आप देखेंगे, स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप में अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट मी शो यू। सो आप देख सकते हो उस दिन 2 दिन का सेलिंग आया तो आज फिर से स्मॉल कैप ने ऊपर क्लोज दिया है और आउट परफॉर्मेंस कर रहा है। सो स्मॉल कैप इंडेक्स ब्रॉड ट्रेंड भी देखेंगे, माइनर ट्रेंड भी देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये जो रिसेंट लो है अभी अगर मान लो फॉलो अप सेलिंग का था और इसको ब्रेक डाउन करता है स्मॉल कैप इंडेक्स, देन वी नीड टू थिंक अबाउट कि वाई इट इज़ ब्रेकिंग आउट, कैसे कौन से स्टॉक ज़्यादा वीक हो रहे हैं, तो वो अपने को क्ल्यू देंगे कि क्या ब्रॉड ट्रेंड भी वीक हो जाएगा 11,500 के नीचे या नहीं, राइट? सो फॉर टुमारो मान लो ये जो रिसेंट हाई है जहाँ से गैप अप हुआ था और मार्केट नीचे गया था तो उसके ऊपर क्या जाता है, तो 12,050 या 12,100 के ऊपर, तो फिर ये स्मॉल कैप की तेज़ी कंटिन्यू रहेगी। टिल देन आई थिंक मैनेज योर रिस्क वेरी वेल एंड होप यू आर फॉलोइंग अ प्रोसेस, राइट, नॉट अ रैंडम थिंग। सो आई होप यू आर एन्जॉइंग द सीरीज एंड मेक श्योर वी डोंट नीड टू प्रेडिक्ट, वी हैव टू अलाइन आवर सेल्फ विद द मार्केट ओनली। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो।